अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। तो जैसे आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि नो वॉइस ओवर, तो आज आपसे डायरेक्ट बातें होंगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कहवा मोहम्मद इलाफ के लिए, क्योंकि उन्हें फिर एलर्जी का कोई मसला हुआ है, और साथ ही मोहम्मद इलाफ का दिल कर रहा था नूडल्स का, तो मैं नूडल्स बना रही हूँ। और साथ ही रमीज़ सुबह दवाई मोहम्मद इलाफ की दे गए थे, तो मोहम्मद इलाफ को नाश्ते के बाद मैंने ये दे दिया है। और बस थोड़ी सी तैयारी आज करनी है, क्योंकि हमने जाना है इस्लामाबाद का ट्रिप है, मीरपुर से इस्लामाबाद हम जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ बस कहवे को मैंने हल्की आँच पर रख दिया है। मोहम्मद इलाफ की कोई तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बेटे की तबीयत नहीं है ठीक, मेरे बेटे की कोई बात नहीं, मम्मा ने दाई मेरी बेहद की चेंज नहीं है, मैं थोड़ी बेताब है। तो थोड़ा सा लास्ट है बिस्मिल्लाह। आज हम केक बनाएंगे। सो ये फुल कप मैदा, वन कप मैदा और ये कोको पाउडर। पहले इसे लेवल करो आशा ना, अभी से हम लेवल करेंगे इसे। अब ये पतला हो गया, फ्लैट। ओके, अभी से ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आई। अभी से इधर डालेंगे। चलो अब कोको पाउडर 1/4 कप। अब बेकिंग पाउडर, फुल टीस्पून, वन टीस्पून। अब बस काफी है। और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नीचे करो ज़रा। चलो बस काफ़ी है। चलो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं ना, अब नेक्स्ट स्टेप पर चलो। सो गाइस, अब हम अब नेक्स्ट लेवल। हाँ चले, ये वन कप शुगर डालेंगे। ऊंचा बोलो बेटा, आवाज नहीं आएगी। हाफ कप ऑयल, नहीं 1/4 कप। 1/4 कप ऑयल, शाबाश। ये अब डाल दो आप सारा। अब इसे ओवन, अब वनीला एसेंस, ये आपको लो 3-4 ड्रॉप्स, ठीक है? ओके, 1-2 ड्रॉप्स। अब इन चीजों को मिक्स करो आप, अच्छी तरह मिक्स करो। अच्छी तरह मिक्स गाइस, अब हम ये डालेंगे, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स, एक मिनट ऐसे बेटा छोड़ो ला आशा, ये गाइस अब हम इसे मिक्स करेंगे। ओए कोई बात नहीं, वो थोड़ा, और क्या डालना है इसके बाद हमने? मिल्क, थोड़ा थोड़ा करके। ओके, शाबाश करो। चॉकलेट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अगर पसंद आई तो कमेंट करना और रेसिपी जरूर ट्राई करना आप सब। यस, बहुत टेस्टी है होएगा ये केक। अब ये आशा अच्छी तरह मिक्स करेंगी और फिर हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। yeah. क्या करना है? सो गाइस, अब हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसे साइड से सर्व करेंगे। ये इसको विस्क जो है हम निकाल लेंगे, ठीक है? ओके,
चलें अब आप स्पैचुला से साइड से साफ करें, करें ऐसे। ओके अब इसको ऐसे करें और इसको इधर ही रहने दें। ओके अब इस ट्रे को ऑयल लगाएं। आज हम पैन में नहीं पकाएं, बेक करेंगे, पैन में नहीं बेक करेंगे, किस में करेंगे, ट्रे में। 1 टेबलस्पून ऑयल लगाएंगे हम। बस 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 बहुत ज़्यादा हो गया। तो गाइस अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। आई एम हैविंग रियली फन साइड पे इधर सॉरी बिकॉज आई एम गोना हैव सो मच फन व्हाइल ईटिंग दिस केक। पप्पू ने बनाया था ना पहले। यस आपको अच्छा लगा? दैट वाज टेस्ट लाइक ब्राउनीज। ओ माय गॉश सो टेस्टी। चलो तो गाइस अब हमने इसको टैप किया, बबल्स वगैरह ये बबल्स निकल गए। बस 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 ओके अब इसको हम रखेंगे ओवन में जो हमने पहले से तैयार प्री हीट किया हुआ है। ओके 180 पे हम इसे बेक करेंगे। हमारा केक अब तैयार है। अब हम ये टूथपिक से चेक करेंगे कि ये बना है या नहीं, बेक हुआ या नहीं। बेक Yay! So, okay. ये ready हो गया। So now we are gonna decorate it. Yay! Yay! So guys, now we are gonna decorate our cake. Let's this glaze chocolate syrup. Dark chocolate. I really love to decorate. बेटा इसको ऐसे डाल दो पीछे। Oh. I'm gonna read this. These are rainbow sprinkles. Okay. Guys, now let's sprinkle it. जी बेटा। मामा के साथ होंगे। आपका साथ? हाँ, बिरिज कपड़े चेंज कर लूँ। मैं नहीं जाऊँ। So this is the cake. It's looking very tasty. I want to eat it. So now we are gonna put this cake in the fridge, so the chocolate will actually freeze. Okay, let's go. Hi guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना. Sugar, mix. इलाफ आपको mix मैं करूँगा राम राम से। Wow इलाफ। Okay that's good job. That's it. अब और next step पे चलते हैं। Now food color मैं करूँगा।
अगर आपके पास जेल वाला या लिक्विड है तो आप वो यूज करें, हमारे पास यही है। हाफ टी स्पून लाइक हाफ टी, यस। इलाफ़ करेगा मेरे इलाफ़। ओके देयर इज अ लॉट, हाथ ना गंदे करना। आई थिंक देयर इज गोना बी मोर, वेट वी नीड टू पुट सम मोर, गिव मी गिव मी। गीला नहीं मारना बेटा। ओह यू आर राइट, पुट 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 ओके देयर पुट मम्मा मैं अभी ना वेट 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 आई नीड टू ब्रेक द स्टोरी। चलो इलाफ को कर लेंगे। ओके देयर इज Yum. Mix. Yum. Mix my pudding. No, that's it. So now we're gonna put some flour. और ऐसे आप इसके साथ ना स्पैचुला की मदद से ना। First of all, mix. इलाफ पकड़ो। मैं करूँगी। Okay. पकड़ो। थोड़ा थोड़ा। That's it. More. That's it. Wait. इलाफ। आप ये पकड़ो। आप ये डालना। No. अभी आप mix करो। It's happening! Yay! We need some more water. Okay. No. We don't need it. Mix. No. Just mix it. Don't use any. I'm gonna mix this. Okay, now we're gonna mix. चलो गाइस अब मैं हाथों से गूंद रही हूँ और स्लाइम को अब हाथों से करना है। अभी ये बनी नहीं है, अभी हमने ओनली हाथों के साथ इसे गूंदना है और फिर ये स्लाइम तैयार हो जाएगी। और यहाँ खाना हो गया रेडी और बस मैं अब घर के दूसरे काम करूँगी, अपनी पैकिंग वगैरह करूँगी। और आशा को मैंने केक बना के दिया, आज उसकी फ्रेंड के साथ पार्टी है तो वो तो केक लेके चली जाएगी थोड़ी देर तक। और यहाँ मैं लगाने लगी हूँ बालों को मेहंदी, क्योंकि बाल कलर करने की वजह से मेरे आगे से वाइट हो गए, तो उसके लिए मैं मेहंदी घोल रही हूँ और मेहंदी लगाऊंगी। और ये मैंने घोल दिया मेहंदी और शकीला कह रही है कि मैं बाजी आपको पूरे सर पे अच्छी तरह मेहंदी लगा दूंगी। इलाफ के कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए हैं और समझ नहीं आ रही कि इलाफ को कौन से कपड़े पहनाऊँ, तो सारे मैंने प्रेस कर लिए। अब देखती हूँ कि इसमें से मोहम्मद इलाफ को मैं क्या पहनाऊँ, जिसमें मोहम्मद इलाफ इजी भी रहें। इनमें से दो तीन सूट्स में पैक करके ले जाऊँगी कि रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चे जो हैं कोई चीज़ गिरा देते हैं तो कपड़े ख़राब कर लेते हैं, तो मैं इसके मोहम्मद इलाफ के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी ले कर जाऊँगी। रखती हैं ये मोहम्मद इलाफ की हैट रखी है, थोड़े से क्रिप्स वगैरह हैं। कोशिश करूँगी खाने तो नहीं दूँगी, लेकिन रास्ते में बच्चों का पता नहीं होता। इसके अलावा फ्रूट्स इलाफ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो एप्पल और बनाना इसके लिए मैं मोहम्मद इलाफ के लिए रख दूँगी। तो मास्क है और मोहम्मद इलाफ ने अपनी ग्लासेस वगैरह रखी हैं और मोहम्मद इलाफ ने अपने पैसे वगैरह रखे हैं कि मैं वहाँ से शॉपिंग करूँगा। तो मोहम्मद इलाफ के कपड़े, सुबह मेरा दिल है कि मोहम्मद इलाफ को जाते वक्त ये पहना दूंगी और रास्ते के लिए मैंने ये रखे हैं कुछ कपड़े। और वहाँ ये पहना दूंगी ब्लैक और इसके साथ शॉर्ट्स है। इसके अलावा सफ़र है तो इस मैंने अपना भी एक एक्स्ट्रा ड्रेस रख ली है। इसके अलावा ये पानी की बॉटल्स हैं, ये अभी फ्रिज में रखूँगी ठंडी होने के लिए। ये मोहम्मद इलाफ के बैग में ये सारी चीज़ें डालूँगी, पानी की बॉटल भी, और इसके अलावा ये जो है बॉटल अपने लिए है
और मोहम्मद इलाफ को टिशू वगैरह, टिशू पेपर वगैरह भी मोहम्मद इलाफ के बैग में रखूँगी, तो कुछ और चीज़ें भी रखूँगी। तो मैं करने लगी हूँ पैकिंग, तो यहाँ मैं अपने बैग में चीज़ें वगैरह रखने लगी हूँ, और रमीज़ का भी एक ट्रोज़र और शर्ट एक्स्ट्रा में रखने लगी हूँ। तो ये रमीज़ की भी एक ड्रेस मैंने तैयार कर लिया है, तो बस ये सारी चीज़ें मैं रखने लगी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले रमीज़ की शर्ट रखूँगी। छोटा सा मैंने ये बैग रख लिया है, आपका एक दिन का भी हो, स्टे हो, या आपने सुबह जाना है और शाम को आ जाना है और बच्चे आपके साथ हैं, तो आप ज़रूर उनके दो तीन एक्स्ट्रा ड्रेसेस लेके जाएं, और अपने भी, और ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि रास्ते में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है फ़ौरी तौर पर तो मुश्किल हो जाता है। अब मैं रख रही हूँ मोहम्मद इलाफ के कपड़े, और ये जीन्स भी रख रही है मोहम्मद इलाफ की, और ये हैंग कर लूँगी, उधर जाके पहनाऊँगी। ये मोहम्मद इलाफ को मैं सुबह पहनाऊँगी, इन कपड़ों को हैंग कर लूँगी, उधर मैं फिर मोहम्मद इलाफ को पहनाऊँगी। तो अब मोहम्मद इलाफ का बैग रेडी करते हैं। और ये सारी चीज़ें मोहम्मद इलाफ की मैंने डाल दी हैं, बस टिश्यू पेपर रह गए वो मैं डालती हूँ, और ये जो पानी की बॉटल्स हैं ये फ्रिज में रखूँगी, और ये मेरा बैग है। तो आपको मैं अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ, ये दर्जी अभी ड्रेस दे के गया है, ये दर्जी अभी ड्रेस दे के गया है, ये गला मैंने खुद बताया था दर्जी को, बटन्स भी मैंने खुद ले के दिए थे, तो घेरे की लैस वगैरह भी मैंने खुद लेके दी थी, और ट्रोज़र का जो ट्रोज़र की डिज़ाइनिंग थी वो भी मैंने बताई थी, और ये दुपट्टा है, और ये ड्रेस है, ये बाजुओं की डिज़ाइनिंग भी मैंने बताई थी। ये लैस भी खुद मैंने लेके दी थी, और ये गला मैंने कहीं देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने बताया था। और ये एक दूसरा ड्रेस है, ये मैंने उसके लिए दुपट्टा कुर्ते के साथ डाई करके तैयार करवाया है, तो मैं कुर्ता भी दिखाती हूँ आपको। ये कुर्ता अम्मी ने मुझे लेके दिया है, ये दामन पे है इसके, ये रेडीमेड है, और इसके साथ मैंने ये दुपट्टा खुद तैयार करवाया है। ये जो टसल हैं ये मैंने खुद लेके दिए थे, और इसके साथ मैं वाइट ट्राउज़र्स पहनूंगी, वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। पेनाडॉल और पेनाडॉल एक्स्ट्रा रख लिया है मैंने, और शॉपिंग बैग्स भी रख लिए हैं, खुदा ना हास्ता रास्ते में उल्टी वगैरह हो जाए तो शॉपिंग बैग मेरे पास है, और पावर बैंक रख रही हूँ, चार्ज मैंने इसे कर लिया है। इसके अलावा साबुन रख रही हूँ, और बस पैकिंग होगी, और टिशू वगैरह मैं अपने बैग में रख लूँगी। तो बस ये चीज़ें हो गई हैं पैक। और यहाँ मैंने अपने शूज़ क्या कहते हैं रख दिए हैं, और ये रमीज़ ने भी अपने सैंडल्स ले लिए हैं। शूज़ में ये है कि आप इजीली चल सकते हैं, इसी वजह से मोहम्मद इलाफ के भी मैंने शूज़ लिए, तो सफ़र के लिए ठीक है।
और अब मैं करने लगी हूँ बाल स्ट्रेट, क्योंकि बाल स्ट्रेट करना तो ज़रूरी है। मैं बहुत ही कम करती हूँ, लेकिन कहीं जाना हो तो फिर कर लेती हूँ। तो अब करूँगी मैं बाल स्ट्रेट। तो मेकअप जो मैंने सुबह करना है वो मैंने रख लिया है, मस्कारा। मस्कारा मुझे मेकअप में बहुत पसंद है। लिप ग्लॉस है, एक रेड कलर का और एक और कलर का है। इसके अलावा फाउंडेशन है, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ड्रीम वेलवेट वालों का बहुत ज़बरदस्त है। और ये भी अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ। ये सिस्टर मेरी बाहर से इंग्लैंड से मुझे भेजती हैं। और ब्लशर है, ये इसका कलर बहुत अच्छा है, ये भी बाहर से मेरी सिस्टर ने भेजा है। मेकअप मैंने कभी नहीं यहाँ से लिया। और ये आईब्रोज बनाने के लिए है। इसके अलावा ये बैग है, इसमें मैं रखूँगी और साथ भी मैं ले जाऊँगी। और ये जो लिपस्टिक है, ये अम्मी उमरा करने गई थी वहाँ से लाई है, और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है, लाइट सा पिंक। तो ये भी मैं लगा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। बहुत ज़बरदस्त इसका नेचुरल सा पिंक कलर आता है। फेस पाउडर है, मेकअप में इतना यूज़ नहीं करती। वैसे मेकअप मेरा जो ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यूज़ बस इतना ही करती हूँ। ख़ास तौर पर ये लाइट सा मैं लगाती हूँ, इतना नहीं लगाती मैं। ये लिप ग्लॉस है जो रेड कलर का। और अब मैं रमीज को खाना देने लगी हूँ। आज हमने बनाया था पुलाव, और कल रमीज ने स्वीट कॉर्न मैक्रोनी नहीं खाई थी, तो वो भी मैंने साथ गर्म कर दिया। और साथ मोहम्मद इलाक के दादाजी के लिए मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि हमने तो सुबह चले जाना है, लेकिन हमने उन्हें कहा कि हमारे साथ चलें, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। अभी तो रात हो गई है, लेकिन कल दोपहर के लिए तो खाना बना के मैं दे जाऊँगी उन्हें। तो बस खाना खा के जल्दी जल्दी हम भी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह निकलना है जल्दी। और मैं तो जल्दी ज़ाहिर है सबसे पहले मैं ही उठूँगी, नाश्ता वगैरह सबके लिए बनाना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।